गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5 वाटर। ऑल ऑफ यू नो दैट वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। अबाउट 71% अर्थ सरफेस वाटर से कवर्ड है। अर्थ पर वास्ट ओशियंस हैं जहाँ का वाटर सॉल्टी होता है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। द वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज इज़ फ्रेश वाटर। वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेज। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इन लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर लाइक स्नो एंड आइस दैट इज प्रजेंट एज आइस कैप्स एट द पोल्स ऑफ द अर्थ। द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर इज प्रजेंट इन ओशन, लेक्स एंड रिवर, इवन अंडरग्राउंड ऑल्सो। द गैसियस फॉर्म प्रजेंट इन द एयर अराउंड अस। वॉट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। मीन्स एटमोसफेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर को ही ह्यूमिडिटी कहा जाता है। हर प्लेस पर ह्यूमिडिटी का लेवल डिफरेंट होता है जो एवोपरेशन की रेट पर डिपेंड करता है। एवोपरेशन वह प्रोसेस है जो लिक्विड को वेपर में चेंज करती है। जब एयर में वाटर वेपर की मात्रा इसे रिटेन रखने के लिए एयर की कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाती है तो यह रेन के रूप में अर्थ पर गिरती है। ह्यूमिडिटी को एक्सप्रेस करने के लिए 2 टर्म्स को यूज़ किया गया है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एन एयर। मीन्स एयर कॉलम में प्रेजेंट टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहा जाता है। इसे ग्राम पर क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है। सेकेंड इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मीन्स द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एंड द वाटर वेपर विच रिसीव वॉल्यूम ऑफ एयर कैन कंटेन टिल सैचुरेशन लेवल इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इस बेस पर मेट्रोलॉजिस्ट बताते हैं कि रेन की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। एवोपरेशन। एवोपरेशन एक एंडलेस प्रोसेस है जब सन, रिवर्स और अदर वाटर बॉडीज के वाटर को हीट करता है तो वाटर स्टीम में चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को एवोपरेशन कहा जाता है। कंडेंसेशन। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर। मीन्स जब वाटर वेपर वाटर में चेंज हो जाता है तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, फॉग, मिस्ट एंड ड्यू। प्रेसिपिटेशन। जब एयर वाटर को होल्ड नहीं कर पाती तो क्लाउड हैवी हो जाते हैं और वाटर अगेन अर्थ पर गिरने लगता है इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। क्लाउड्स। व्हाट इज क्लाउड्स? जब वार्म एंड मोइस्ट एयर ऊपर की ओर राइज होती है तो वह कूल और सैचुरेटेड हो जाती है। जब इसका टेम्परेचर और गिर जाता है तो कुछ वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल के चारों ओर कंडेंस हो जाते हैं और वाटर ड्रॉप को फॉर्म करते हैं। और जब टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है तो वेपर आइस के क्रिस्टल में कंडेंस हो सकती है। इन फ्लोटिंग वाटर की ड्रॉपलेट्स और आइस के क्रिस्टल के विजिबल मासेस को ही क्लाउड्स कहा जाता है। ड्यू। जब मॉइस्ट एयर विंटर्स में कोल्ड ग्राउंड सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो वाटर वेपर वाटर में चेंज हो जाता है और ग्रास पर जो ड्रॉप्स दिखाई देती हैं उसे ड्यू ड्रॉप्स कहा जाता है। फ्रॉस्ट। कोल्ड विंटर नाइट में जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे गिरता है तो ड्यू ड्रॉप्स आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस क्रिस्टल्स को फ्रॉस्ट कहा जाता है। फॉग एंड मिस्ट। विंटर सीजन में वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल के अराउंड कंडेंस होता है जिससे मिस्ट एंड फॉग
फॉर्म्ड होते हैं। ये फेनोमेना मॉर्निंग में देखने को मिलता है। मिस्ट इज अ थिनर एंड फॉग इज थिकर। टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल के टाइप्स को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज रेनफॉल। रेनफॉल क्या होती है? रेनफॉल मीन्स एटमॉस्फेयर से लिक्विड वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में मॉइस्चर का नीचे आना। जब वाटर ड्रॉप्स साइज में ग्रो होती हैं देन दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन। रेनफॉल इज द फॉलोइंग थ्री टाइप्स: कन्वेक्शनल रेनफॉल, रिलीफ रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल, जब एयर अर्थ के हॉट सरफेस के कॉन्टैक्ट में आती है तो एयर हीट हो जाती है एंड बिकम लाइटर एंड स्टार्ट राइजिंग अप। इससे कन्वेक्शनल करंट्स बनती हैं जो हाई एल्टीट्यूड अटेन करती हैं। वाटर वेपर इस हाइट पर बहुत जल्दी कंडेंस हो जाता है जिससे वाटर लार्ज अमाउंट में गिरता है। यह रेनफॉल जनरली थंडर्स एंड लाइटनिंग के साथ होती हैं। इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन एक्सपीरियंस सच रेन। रिलीफ रेनफॉल। रिलीफ रेनफॉल तब होती है जब रिलीफ फीचर्स लाइक माउंटेन मॉइस्ट विंड के पाथ में आते हैं। विंड को माउंटेन के ऊपर राइज होने के लिए फोर्स किया जाता है। राइजिंग विंड कूल होना स्टार्ट करती है और कंडेंसेशन होने लगता है जिसके कारण क्लाउड बनते हैं। दीज क्लाउड्स ब्रिंग रेनफॉल लार्जली ऑन द विंडवर्ड साइड। लेकिन जब विंड लीवर्ड साइड से नीचे आती है तो वह ड्राई हो जाती है जिसके कारण रेनफॉल नहीं होती। इस एरिया को रेन शेडो एरिया कहा जाता है। मानसून रेनफॉल इज अ रिलीफ रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोन्स लो प्रेशर का सेंटर होते हैं। जब वो लो प्रेशर एरिया की ओर सभी डायरेक्शन में कवरेज करती है देन इट इज़ फोर्स्ड टू राइज अप। ये राइजिंग एयर कूल हो जाती है, कंडेंस हो जाती है और क्लाउड फॉर्म होते हैं जिसके कारण हैवी रेनफॉल होती है। वाटर साइकिल। द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस वाटर बॉडीज। अर्थ पर वाटर 71% और लैंड 21% है। अबाउट 90% ऑफ वाटर वास्ट ओशियन सी गल्फ्स में पाया जाता है एंड 3% वाटर रिवर्स स्ट्रीम एंड लेक्स में फाउंड होता है। जो ओशियन वाटर है वो सेलाइन है बट जो वाटर लैंड पर है वो फ्रेश वाटर है। वाटर एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन एवोपरेशन के कारण अपनी फॉर्म चेंज करता है। वाटर के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंजिंग की इसी प्रोसेस को वाटर साइकिल कहा जाता है। अब ये वाटर साइकिल की प्रोसेस कैसे होती है? जब सन की हीट से वाटर गर्म हो जाता है तो वाटर कंटिन्यूसली ओशियन एंड अदर वाटर बॉडी से एवोपरेट होता है। एवोपरेट होने के बाद कंडेंसेशन के कारण एवोपरेट वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है एंड रेन और स्नो के रूप में ग्राउंड पर गिरने लगता है। ये रेन वाटर दोबारा सी और ओशियंस में चला जाता है जहाँ से यह दोबारा एवोपरेट होता है और इसी तरह से ये साइकिल चलती रहती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मेजर ओशियंस। ऑल ऑफ यू नो दैट देयर आर 5 मेजर ओशियंस ऑन अर्थ। दीज 5 ओशियंस आर पैसिफिक ओशियंस, अटलांटिक ओशियंस, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड साउदर्न ओशियन। पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन सबसे लार्जेस्ट ओशियन है। मैरियाना ट्रेंच जो कि डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का वो भी पैसिफिक ओशियन में ही लाई करता है। इट इज़ द सर्कुलर इन शेप। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट। अटलांटिक ओशियन। इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द साइज ऑफ पैसिफिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन एस शेप्ड में है और ये अर्थ सरफेस का 1/6 कवर करता है। दिस ओशियन इज बॉर्डर्ड बाई नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्ट एंड यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका ऑन द ईस्ट। ये ओशियन सबसे बिजिएस्ट ओशियन माना जाता है बिकॉज इट प्रोवाइडेड मैक्सिमम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बिटवीन द यूरोप एंड अमेरिकन मार्केट्स।
इंडियन ओशियन, ये ओशियन अफ्रीका को वेस्ट में, एशिया के नॉर्थ में और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट के सराउंडिंग है। इसका डीपेस्ट पार्ट सुंडा ट्रेंच है जो फिलीपींस के जावा आइलैंड पर सिचुएटेड है। इट इज़ द स्मॉल ओशियन एंड डज नॉट ओपन नॉर्थवर्ड। आर्कटिक ओशियन, ये ओशियन ऑलमोस्ट फ्रोजन है और नॉर्थ पोल के नियर लोकेटेड है। दिस ऑल्सो हैज़ अ नंबर ऑफ आइलैंड्स स्पेशली इन द नॉर्थ ऑफ कैनेडा विच ऑल्सो रिमेन फ्रोजन। साउदर्न ओशियन, दिस इज़ द लार्ज वाटर बॉडी विच इज अराउंड द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। इट मर्ज विद पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन। इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियंस, ओशियंस एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी का मेन सोर्स हैं जो रेनफॉल लाते हैं। ओशियंस आर स्टोर हाउस ऑफ मैराइन फूड एंड मिनरल्स। दे आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। दे आर यूज्ड एज हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। सी वाटर इज कॉन्स्टेंटली इन मोशन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ विजिबल मूवमेंट इन सी वाटर, वेव्स, टाइड्स एंड ओशियन करंट्स। ओशियन में जो मूवमेंट पैदा होता है वो कुछ फैक्टर्स के कारण होता है। दीज फैक्टर्स आर सी वाटर का टेम्परेचर एंड डेंसिटी का डिफरेंट होना, सी वाटर की सैलिनिटी में डिफरेंस और इम्पैक्ट ऑफ द प्रिवेलिंग विंड्स। सो वॉट इज वेव्स? Waves are the rise and fall of water on the surface of sea water. Means sea water के surface पर water का rise और fall होना। जब wind sea water के contact में आती है तो वह water को उस direction में push करती है जिस तरफ से wind blow होती है। इस कारण water particles wind के direction में move and down होने लगते हैं और वाटर में कल्स बनाते हैं। दीज कल्स फॉर्म अ वेव। विंड्स वाटर को लैंड की तरफ पुश करती है जिससे वाटर राइज एंड फॉल होता है। वाटर के राइज होने को मींस वाटर के ऊपर उठने को क्रेस्ट कहा जाता है एंड फॉल को मींस वाटर के नीचे होने को थ्रो कहा जाता है। टाइड्स, टाइड्स क्या होते हैं? ओशियंस में वाटर का जो लेवल है वो एवरीडे अल्टरनेटली राइज एंड फॉल होता रहता है। सी वाटर के लेवल में जो ये चेंजेस होते हैं उसे टाइड्स कहा जाता है। जब सी वाटर का लेवल राइज होता है और वाटर शोर तक मूव्स करता है तो इसे हाई टाइड्स कहते हैं, और जब सी वाटर का लेवल फॉल होता है और पानी शोर से बैक हो जाता है तो उसे लो टाइड्स कहा जाता है। अ प्लेस यूजुअली हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स ट्विस्ट इन अ डे। टाइड्स का कारण है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। जब सन, मून एंड अर्थ एक लाइन में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल फुल मून नाइट, इस दिन टाइड्स हाई बनती हैं। इस टाइड्स को स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है। ऑन हाफ मून नाइट में सन, मून, अर्थ के सेंटर के साथ एक राइट एंगल बनाते हैं। इस प्रकार ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाता है एंड टाइड्स आर नॉट सो हाई। इस टाइड्स को नीप टाइड्स कहा जाता है। ओशियन करंट्स, ये वाटर की रेगुलर स्ट्रीम है जो डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करती है। दीज मासेज ऑफ वाटर मूविंग अलोंग अ डेफिनेट डायरेक्शन आर कॉल्ड ओशियन करंट्स। दे आर कॉज्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर, द रोटेशन ऑफ अर्थ, द शेप ऑफ द लैंड मासेस एंड द प्रिवेलिंग विंड्स। ओशियन करंट्स टू टाइप की होती हैं, कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स। कोल्ड करंट्स पोलर रीजन से ऑरिजिनेट होती हैं और प्लेस को कोल्ड करती हैं। वार्म करंट्स इक्वेटोरियल रीजन से ऑरिजिनेट होती हैं और उस प्लेस को वार्म बनाती हैं। दीज करंट्स फॉलो फेरल्स लॉ एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड एंटी क्लॉकवाइज साउदर्न हेमिस्फीयर में मूव करती हैं। ओशियन करंट्स रेनफॉल को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। जो विंड वार्म करंट से पास होती है वो अपने साथ मॉइस्चर पिकअप करती है जिसके कारण हैवी रेनफॉल होती है, एंड जो विंड कोल्ड करंट से पास होती है वो कूल और ड्राई होती है एंड हार्डली ब्रिंग्स एनी रेनफॉल।
The Atacama Desert in South America is an example of such desert. Effect of ocean currents. ये coastal temperature को influence करती हैं. They serves as food for fish. Ocean currents maintain maritime trade में help करती हैं. Warm currents iceberg को melt करने में help करती हैं, जो ship के लिए dangerous होते हैं. कभी कभी oceans currents ship के लिए problems का कारण भी बन जाती हैं. जहाँ पर cold and warm currents मिलती हैं, वहाँ पर fog होता है, जिसके कारण visibility reduce होती है. Thank you.